सुपर बाइक रोबोट वर्सेस गोरिला रोबोट। जतिन ने बड़ी ही मेहनत से एक सुपर बाइक बनाई थी जो कि एक रोबोट में भी बदल सकती थी। जतिन उस रोबोट को सबके सामने लाने ही वाला था, पर अचानक एक रात कोई उसकी सुपर बाइक चुरा लेता है। जतिन उस बाइक को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। पता नहीं मेरी बाइक को किसने चुराया होगा, कितना ढूंढा मैंने, पुलिस को भी बताया, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अब क्या करूं और कैसे ढूंढूं उसे। बाइक के चोरी होने से जतिन बड़ा दुखी हो गया था। एक दिन वो अपने दोस्त कुमार के लैब में अचानक से जाता है, लेकिन जतिन को देखकर कुमार बड़ा परेशान हो जाता है। अरे जतिन, तुम और यहाँ, वो भी बिना बताए। क्या बताऊं दोस्त, जब से मेरी बाइक चोरी हुई है तब से मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा, बस इसीलिए दिल बहलाने यहाँ चला आया। कुमार की बातों से जतिन के ध्यान में आता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी जतिन की नजर लैब के एक कोने में जाती है जहां उसकी सुपर बाइक टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई थी। ये देख जतिन के कुछ समझ में नहीं आता और वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है और घर आकर सोचता है, ये कुमार जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि उसने मेरी सुपर बाइक क्यों चोरी की। उसे कोई शक ना आए इसलिए उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे इस बात की खोज करनी ही होगी। ऐसा सोचकर जतिन रात के अंधेरे में वापस कुमार की लैब में आता है। वो लैब में चारों तरफ देखता है, पर तब उसे उसकी सुपर बाइक कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन ढूंढते ढूंढते वो लैब की एक खुफिया जगह पर जाता है जहां वो कुमार को एक गोरिला रोबोट को बनाते हुए देखता है। वो देखता है कि पास में ही उसकी सुपर बाइक भी पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो सोचता है, आप समझ आया मुझे, इस कुमार ने ही मेरी बाइक चुराई ताकि वो उसकी टेक्नोलॉजी चुरा के ये गोरिला रोबोट बना सके। मुझे इस गोरिला रोबोट को एक्टिव होने से पहले ही डीएक्टिवेट करना होगा और अपनी बाइक को लेकर यहाँ से जल्दी जाना होगा। जैसे ही वो सो जाता है, जतिन छुपते छुपाते उस गोरिला रोबोट के साथ कुछ छेड़खानी करता रहता है। पर तभी कुमार नींद से जाग जाता है और पीछे से आकर जतिन के सिर पर एक रॉड से वार करता है। जतिन नीचे गिर जाता है। मुझे लगा ही था कि तुम्हें शक हो गया, इसीलिए मैं यहाँ से घर गया ही नहीं और तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। अब तू कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही किसी को कुछ बता पाएगा, क्योंकि ये करने के लिए तू जिंदा ही नहीं बचेगा। कुमार जतिन को जान से मार देता है और वहां से वो घर चला जाता है। लेकिन नियति को ये शायद मंजूर ही नहीं था। उसी वक्त जतिन की आत्मा शरीर से निकलकर उसके सुपर बाइक में समा जाती है और वो अपने आप शुरू होकर घर चली जाती है। दूसरे दिन वापस लैब में आकर कुमार देखता है कि जतिन की लाश वहां पड़ी है, पर उसकी सुपर बाइक वहां नहीं है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। अरे आखिरकार जतिन की सुपर बाइक कहां जा सकती है, कहीं किसी ने फिर से उसे चुराया तो नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही हुआ, अब पुलिस उस चोर को पकड़ेगी और उसे ही जतिन के कत्ल में हिरासत में ले लेगी। अब मुझे किसी से डर नहीं है। इधर जतिन के घर उसका बेटा राज उसे ढूंढता रहता है, लेकिन उसे जतिन तो कहीं नहीं मिलता, पर सुपर बाइक उसे उसके घर के सामने खड़ी दिखाई देती है। अरे ये तो पापा की बाइक है, अगर बाइक यहाँ पर है तो पापा कहाँ चले गए। ये देख राज परेशान हो जाता है। तभी वो न्यूज में सुनता है कि एक गोरिला रोबोट ने शहर पर हमला कर दिया है। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। अरे शहर में ये क्या हो रहा है, काश पापा यहाँ होते तो वो कुछ कर पाते। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी उसे उस सुपर बाइक से कुछ आवाजें आती है। वो उधर देखता है तो देखते ही देखते वो सुपर बाइक एक रोबोट में बदल जाती है, जिसे देखकर राज बहुत चौंक जाता है। तभी वो सुपर बाइक रोबोट गोरिला रोबोट को रोकने उसकी तरफ भागते हुए जाने लगती है। लेकिन जैसे ही सुपर बाइक रोबोट वहां पहुंचता है, वो गोरिला रोबोट पर टूट पड़ता है। सुपर बाइक रोबोट में जतिन की आत्मा थी, वो गोरिला रोबोट से पूरी ताकत से लड़ रहा था, पर गोरिला रोबोट भी एक शक्तिशाली रोबोट था जो सुपर बाइक रोबोट से पूरी ताकत से लड़ रहा था।
सुपर बाइक रोबोट गोरिल्ला रोबोट के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसमें कुछ खराबी आती है और वो जल्दी से बाइक में बदल कर वहां से घर वापस आता है। जिसे देखकर राज सोचता है, यह सब क्या चल रहा है? उधर गोरिल्ला रोबोट तबाही मचा रहा है और इधर ये बाइक। क्या पापा, आप कहाँ हो? जल्दी से आइए, आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। तभी अचानक बाइक जोरों से हॉर्न भी बजने लगता है। जैसे ही राज बाइक के पास जाता है, बाइक शुरू हो जाती है और वो आगे पीछे होने लगती है। ये देख राज समझ जाता है कि वो बाइक उसे कहीं ले जाना चाहती है। तब राज सुपर बाइक पर बैठ जाता है। वो बाइक तेजी से राज को लेकर जतिन के लैब में आती है। तब बाइक रोबोट में बदल जाती है और उससे आवाज आती है। राज, मैं तुम्हारा पापा। देखो इस रोबोट को जल्दी से इस वायर से जोड़ दो बेटा और उस टेबल पर लगा हुआ लाल बटन दबा दो। तब जाकर ये रोबोट पावरफुल बनेगा और गोरिल्ला रोबोट से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। चार्ज होते होते रोबोट ये भी बता देता है कि किस तरह से जतिन की मौत हुई। वो रोबोट को वायर से जोड़ देता है और आखिरकार वो रेड बटन दबा देता है। बटन के दबते ही रोबोट में एक्स्ट्रा पावर आने लगती है। रोबोट के आसपास से बिजलियां चमकने लगती है। इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है और दूसरे दिन सुबह वो रोबोट पावरफुल बन जाता है। तब वो रोबोट फिर से कहता है, चलो बेटा, अब उस गोरिल्ला रोबोट को खत्म करने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर वो रोबोट फिर से सुपर बाइक बन जाता है। राज उस पर बैठ जाता है और वो दोनों तेजी से वापस गोरिल्ला रोबोट से लड़ने जाते हैं। गोरिल्ला रोबोट दिखते ही राज बाइक से उतर जाता है और वो सुपर बाइक फिर से रोबोट बनकर सीधे गोरिल्ला रोबोट पर टूट पड़ता है। दोनों में घमासान होती है लेकिन दोनों एक दूसरे का बराबरी से सामना करते हैं। लेकिन इस बार सुपर बाइक रोबोट गोरिल्ला रोबोट को कोई मौका नहीं देता और आखिरकार उस गोरिल्ला रोबोट को मार देता है। यह हुई ना बात, पापा हम जीत गए और गोरिल्ला रोबोट हार गया। पापा, अब मैं उस कुमार को उसके किए की सजा दिला कर रहूंगा। तब राज पुलिस के पास जाकर सारी बात बता देता है। पुलिस कुमार के लैब जाकर उसे अरेस्ट करते हैं और आगे की कार्यवाही करने के लिए छानबीन शुरू कर देते हैं। इधर जतिन रोबोट बनकर कहता है, राज बेटा, हमेशा सबकी मदद के लिए काम करना। मेरा ये रोबोट अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब मैं चलता हूँ। राज अपने पापा को अलविदा करता है और उस सुपर बाइक रोबोट की सहायता से सबकी मदद करते ही रहता है।